कुछ भी रिएक्शन नहीं, हमारे लिए वो एक विनर ही है। ये अभी तो एक शुरुआत है, बाकी जो भी है वो आगे होगा। मुनव्वर को भी कहीं ना कहीं ये मालूम था कि ये मेरे लिए टफ कंटेंडर बन सकता है। हालांकि देखा जाए तो दोनों भी यूट्यूब कम्युनिटी से है, ये भी है ये भी है, दोनों का भी एक कंपटीशन रहेगा इसके वास्ते। हालांकि आप गौर फरमाइए, कभी भी एपिसोड में अरुण को कभी भी मुनव्वर ने टारगेट किया है, हर एपिसोड में टारगेट किया, हर टास्क में भी टारगेट किया है अरुण को। तो सर, सबसे पहले तो आज वो घड़ी आ गई है जिसका सभी को इंतज़ार था। टॉप फाइव हमें मिल गए हैं और जल्द ही विनर भी मिल जाएंगे। आप लोग क्या उम्मीद लेकर आए हैं, क्या लगता है आप लोगों को, क्या प्रिडिक्शन है आप लोगों का? हमारे को तो हमारा भाई जीतना बोल के ही है, अरुण जो भी है। हाँ। अरुण भाई बोलते सब पूरे आवाम को मालूम है, नहीं बोल के नहीं। हमारे को तो हमारा भाई जीतना बोल के, बाकी जो भी है बिग बॉस का डिसीजन सर आपको। हमारे अलावा नॉर्थ और साउथ, ईस्ट वेस्ट पूरे एक बने हुए हैं अरुण भाई को जिताने के लिए, क्योंकि जो श्योर है वो प्योर है और सबको एक लेके चल रहा, और लेडीज़ की इज्जत, जेंट्स की इज्जत, सबकी इज्जत को इज्जत रखते हुए लेके चल रहा, वो बहुत बड़ी बात है। शायद ही कोई रखाऊंगा, अरुण सबको लेके चल रहा, चाहे बिग बॉस हो या सलमान सर हो या पब्लिक हो, सबको एक दिल जीत के रख दिया हो। चाहे कब, हालांकि देखा जाए तो बिग बॉस के अंदर कोई किसी की लेडी की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उन्होंने एक बंदा है, कोई मिलने को हक करने को आए तो भी ज़रा यूं करता है वैसा, वो जेन्युइन बंदा है, किसी का डिसरेस्पेक्ट नहीं करता। मनारा भी उसकी बहन मानता है, फिर भी बहन को भी एक रेस्पेक्ट के तौर पर मानता है, वो हिसाब से उन्होंने एक वीडियो भी देख सकते हैं मनारा का, जहाँ अरुण सोफे में बैठा था, मनारा आके बैठी थी, अरुण ने सोफा डाला था, वो तकिया डाला था सोफे पे, वो आप जरूर देख सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी जो हमें खबर मिल रही है वो ये है कि अरुण और मनारा जो है वो रेस से बाहर हो चुके हैं। अगर ऐसा होता है या ये न्यूज़ जो है वो सच निकलती है तो आप लोगों का क्या रिएक्शन? कुछ भी रिएक्शन नहीं, हमारे लिए वो एक विनर ही है। ये अभी तो एक शुरुआत है, बाकी जो भी है वो आगे होगा। अभी तो अभी न्यूज़ तो कन्फर्म नहीं हुई ना, रात में 11:30 बजे होगी वो। अभी जो भी बाहर से न्यूज़ आ रही है, चलो देखा जाएगा। हमारे लिए तो वो विनर है, पूरी भारत देश की जनता के वास्ते वो विनर है। क्यों? उसने दिल जीता है, उसने एक रेस्पेक्ट जीता है, उसकी एक मान मर्यादा रखी है, एक सेल्फ रेस्पेक्ट का लाइन रखा है उसने, बस। और एक बात बोलना चाहता हूँ, जितने रिलेशन अरुण ने जो रियल बनाए हैं, जैसा कि हमारे अरुण आर्या तहलका भाई के साथ जो भाई का बॉन्डिंग था, एक दोस्त का बॉन्डिंग था, जो कि 22,000 किलोमीटर दूर और उससे भी उसका रिलेशन बना, और मुनारा से भी बना, मनारा से वो कोई रिलेशन नहीं रखा, सब ढोंगी थे या एक फेक रिलेशन थे। जो रियल रिलेशन थे अरुण रखा, तीन रिलेशन रखा, एक भाई का, एक बहन का और एक दोस्त का, शायद ही कोई रखाऊंगा आज तक। शो के शुरुआत से लेके अभी तक उनकी एक इंसान से जो नहीं बनी है वो है मुनव्वर फारूकी। कहीं ना कहीं दोनों ही इन्फ्लुएंसर है, दोनों ही सोशल मीडिया के फेस है, लेकिन दोनों की एक दूसरे से नहीं बनी, इस बारे में क्या कहेंगे? मुनव्वर को भी कहीं ना कहीं ये मालूम था कि ये मेरे लिए टफ कंटेंडर बन सकता है। हालांकि देखा जाए तो दोनों भी यूट्यूब कम्युनिटी से है, ये भी है ये भी है, दोनों का भी एक कंपटीशन रहेगा इसके वास्ते। हालांकि आप गौर फरमाइए, कभी भी एपिसोड में अरुण को कभी भी मुनव्वर ने टारगेट किया है, हर एपिसोड में टारगेट किया, हर टास्क में भी टारगेट किया है अरुण को। क्या लगता है कि अगर ट्रॉफी आ जाती है तो किस तरीके से स्वागत करने का इरादा है आप? बहुत बहुत, तहलका भाई ने तो हमें बोल दिया था पहले, भाई मेरा जीत के आंदो नहीं आंदो, मेरा भाई टॉप फाइव है, मेरे को उससे बड़ी खुशी नहीं है, जीत के आया तो और बहुत बड़ी खुशी। उससे आने से पहले 80 बाउंसर लगाते बोल दिए भाई जी, और गाड़ियों की एक कॉन्वॉय बोल दिए थे, पूरा इंतज़ाम करे हुआ है ऑलरेडी। बहुत ये इंतज़ाम स्वागत यहाँ से हैदराबाद तक का है। और अभी तक तो सबने, अरुण भाई ने सबका दिल जीत लिया, अब तो कब जीतेंगे, बेशक वो रील्स तो बनते रहेंगे, लेकिन अभी तो 12 बजने को टाइम है। अभी पूजा भट्ट ने जो तारीफ़ की है अरुण के और मनारा के रिश्ते की, या फिर अरुण के यू नो जैसे जिस तरीके के वो इंसान है उसकी तारीफ़ की है, उस बारे में क्या कहेंगे? पूजा भट्ट मैम जो है उन्होंने किसी की पर्सनैलिटी एक सेकेंड में जज कर लेते, जज करके उन्होंने जेन्युइनिटी जज कर लेके उन्होंने ही बोले, क्या बोले, आप बहुत अच्छे हो, नहीं बोल के नहीं, आप कुछ गलती नहीं करे हो। वो सामने से बोलना, किसी के मुंह से तारीफ आना, वो बहुत बड़ी बात हमारे लिए, और वो भी उनके मुंह से आना, वो बहुत बड़ी बात हमारे लिए। जाने से पहले चलिए, न्यूज़ पर यकीन करने नहीं करने के लिए वो तो लास्ट में ही पता चलेगा, पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप एज अ भाई क्या कहना चाहेंगे अरुण के लिए? अभी भी वोटिंग लाइन्स खुली है उसके लिए, क्या वोट करिए? आपका मालूम है अरुण जेन्युइन है, सबके साथ रहता है, सबका
रिश्ता अच्छा निभा के चलता है, अरुण भाई बोलते, बाकी आवाम को मालूम है, बस खत्म बात। थैंक यू सो मच। बोल क्या बोलते अरुण भाई, बोलते बैंगन में मिला देंगे, तहलका मचा देंगे, अरुण भाई तहलका भाई अरुण भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू।